नमस्ते अध्यापिका, मेरा नाम अभिनव, मैं 5वीं कक्षा का छात्र हूँ। हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग फसल होता है। इन फसलों के आधार पर कई तरह का फसल उत्सव मनाया जाता है। हमारा देश का मुख्य फसल उत्सव मकर संक्रांति, ओणम, लोहड़ी और बिहू है। मैं अभी मकर संक्रांति के बारे में बताऊंगा। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक मुख्य त्यौहार है। इस त्यौहार को कई राज्यों में पूरे जोश से मनाया जाता है। इस त्यौहार को पतंग उड़ाना, कुंभ मेला मुख्य आकर्षण है। इस त्यौहार को हर साल 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन से शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है। केरल में मनाया जाने वाला ओणम एक और फसल उत्सव है। दक्षिण भारत में इस त्यौहार को मनाया जाता है। इस त्यौहार को हर साल अगस्त और सितंबर में मनाया जाता है। ओणम का मुख्य आकर्षण है सरफनों का दौड़ और कथकली नृत्य है। घरों को विशेष रूप से फूलों से सजाया जाता है। इसी से मैं अपना विशेष समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।